नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। आज सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। समतापूर्ण घर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। पूर्ण घर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने वह बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को ना मानने की बात कही और फिर उसने अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। दो कौशिक नवरात्र करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा को शुरू किया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और उनकी सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तव पति को नहीं पहचान रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुध देव का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, भविष्य में मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुध देव ने उसे क्षमा कर दिया और
तब भी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। दोनों समतापूर्ण की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। और इसी तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। और इसी तरह जो भी विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो यह थी आज की कथा। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल व्रत त्यौहार और कथाओं को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।